ये देखिए कितना छोटा छोटा मछली हमने आज बाजार से लाया है। ये करीब 200 रुपये किलो मिलता है। आज इसका हम लोग पकौड़ा बना के खाने वाले हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। क्या आपने कभी खाया है? अगर खाया है तो इसका नाम बताइए कि क्या नाम है इस मछली का। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से वाश करते हैं, फिर इसको हम पकौड़ा बना के दिखाते हैं कि इसका पकौड़ा कैसे बनता है। तो हमने मछली को अच्छे से धो लिया है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसको। तो एक अलग से हम बर्तन लेंगे, इसमें जितना हमको पकौड़ा बना उतना निकाल लेते हैं। हमने यहाँ मछली को निकाल लिया है इसको बनाने के लिए। अब इसके अंदर मसाला डालना शुरू करेंगे। इसमें हम डालेंगे बेसन, उसके बाद मसाला डालेंगे इसमें। तो मसाले में हम डाल रहे हैं यहाँ पे ये धनिया 1 चम्मच है, फिर जीरा इसमें 1/2 चम्मच डाल देंगे, थोड़ा सा गोल मिर्च भी डाल देंगे इसमें, और ये हल्दी डाल रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे पिसा हुआ मिर्च डाल देंगे इसमें। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, इसमें डालेंगे चावल का आटा। डालने से बहुत ही कुरकुरा होता है, क्रंची होता है, तो चावल का आटा इसमें डाल देंगे करीब 1 चम्मच। आप इसको नहीं भी डाल सकते हैं, डालने से थोड़ा क्रंची होता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जरूरत पड़े तो पानी भी डाल सकते हैं इसमें। पहले से ही मिलाते हैं, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, पूरा सूखा है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको पकौड़ा बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने सरसों तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है, और इसका हम छोटा छोटा पकौड़ा के साइज में इसको करेंगे। इसको हम इसका चिपटा करके यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। जैसे पकौड़ा बनाते वैसे ही इसको इसका पकौड़ा बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके यहाँ ऐसा छोटी मछली मिलती है मार्केट में। तो हम लोग इसको ऐसे बना के खाते रहते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, हम लोग बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो हमने एक बार डाल दिया है इसको, एक तरह से ऐसा पक गया होगा, इसको हम लोग पलट देते हैं। देखिए देखिए पकौड़ा बन के रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको अच्छे छान के निकालेंगे, अच्छे तेल निचोड़ निचोड़ इसको निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, और खाने में और भी मजा आएगा। देखिए एक बार निकाला, फिर से इसको डाल देते हैं जो बाकी था। बाकी देखिए सब हो गया, इसको हम छोटा बना डाल लेते हैं। ये पकौड़ा बनकर रेडी है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए पहले से जो पहले से निकाला था यहाँ पे है, फिर सब निकालते हैं इसको भी। आपको हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है। मैं तो बहुत पहले इसको बनाया खाया हुआ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आज को हम बंद कर देते हैं, आपको हम दिखाते हैं। चलिए तो बहुत गर्म है, जो पहले और ठंडा था उसको हम खा के दिखाते हैं आपको। ठंडा नहीं, भी गर्म ही है। तो देखिए पूरा अच्छा पक चुका है, इसको खा दिखाते हैं। देखिए बहुत टेस्टी हुआ है, आप भी अपने घर बना के खाइएगा, बहुत मजा आता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।